जख्म वही है जो छुपा लिया, जो बता दिया वो तमाशा बन गया। मोहब्बत यक तरफा हो सकती है, समझौता भी यक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत दो तरफा चीज़ है, ये यक तरफा नहीं हो सकती। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर इन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। मर्द अगर रोकता है, टोकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो इसे अपनी इज्जत समझता है और इसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाए वो उदास है, इसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय इसे खूब प्यार देना समझदार खातून की निशानी है। मेरा मुशाहिदा है, जो आदमी खलुस हो हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। जिस नीयत से तवाइफ बुरका पहनती है, कुछ मर्द बिल्कुल उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। कल बाजार जाना हुआ, दो कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर उन्हीं दोनों को अकटियाँ खेलते देखा। फिर मुझे वो दो भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और वो आज तक नहीं बोले। मेरे अल्फाज गंदे नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है, मेरे अल्फाज सिर्फ नंगे हैं। कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बद किरदार हो।